नजरअंदाज कर रहे लोग कभी भी आ सकती है तीसरी लहर, विशेषज्ञों ने चेताया। 40 लाख लोगों की जिंदगी छीन चुका कोरोना अभी और हो सकता है खतरनाक। WHO की दुनिया को चेतावनी, महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण हो सकते हैं प्रतिरक्षा का घटना। लॉकडाउन में छूट बुलेरिया। मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मंथन, यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे संबोधित। राकेश टिकैत ने बताया संसद भवन को घेरने का प्लान, कहा 22 जुलाई से रोजाना धरने पर बैठेंगे किसान। पंजाब में कांग्रेस के लिए अभी सब ऑल इज वेल नहीं, सिद्धू के अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को लेकर कैप्टन नाराज। दिल्ली में अब 700 से भी कम एक्टिव केस, बीते 24 घंटे में 72 नए मामले और एक की मौत। दिल्ली राजधानी में अब नहीं खुलेंगे स्कूल, केजरीवाल बोले नहीं उठाना चाहते किसी तरह का जोखिम। भूकंप, शिमला में डोली धरती, रेक्टर पैमाने पर 3.6 रही तीव्रता, दहशत में घरों से निकल आए लोग। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की समय सीमा तय, वर्ष 2023 की समाप्ति में पहले होंगे दर्शन। नाना पटोले का बयान, महाविकास अघाड़ी का महाटेंशन, शरद पवार और उद्धव ने 30 मिनट तक की बातचीत।